वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेज। आपका डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। युवाओं के कंधे पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और वह है सामाजिक दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करना। स्टॉप। इस वैज्ञानिक युग में रहने वाले युवाओं को किसी भी प्रथा परंपराओं का पालन करने के लिए मानना उचित नहीं है। स्टॉप। परंपराओं के परिवर्तन की स्वीकारोक्ति तभी संभव है कोमा जब इसको विवेकपूर्ण ढंग से देखा और परखा जाए। स्टॉप। इसके लिए साहस की आवश्यकता है कोमा जो युवाओं के पास नैसर्गिक रूप से होता है। स्टॉप। इसीलिए अंध मान्यताओं कोमा मूंडताओं एवं कुरूतियों के कुचक्र को युवाओं का साहस ही तोड़ सकता है कोमा छिन्न भिन्न कर सकता है। स्टॉप। समाज में व्याप्त कई ऐसी विकृतियां हैं कोमा जिनके विषाणु इंसानी अस्तित्व को समाप्त करने पर तुले हैं। स्टॉप। इन विषाणुओं को नष्ट करने की क्षमता युवाओं के पास है कोमा बस कोमा इसे अमल करने भर की देरी है। स्टॉप। पेरा। समाज में न जाने कितनी जातियां कोमा वर्ग एवं क्षेत्र सामाजिक मूंडताओं के कारण पिछड़ेपन के पंक में दसे हैं कोमा फंसे हैं। स्टॉप। ये अपनी इन अंध मान्यताओं के कारण खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं कोमा उगते सूरज को खुली आंखों से देख नहीं पा रही है। स्टॉप। उन्हें अभी तक नए ज्ञान का प्रकाश नहीं मिल सका है। स्टॉप। इस आलोक के अवतरण को मात्र युवा पुरुषार्थ ही संभव बना सकता है कोमा क्योंकि विवेक एवं समझदारी के साथ जब इन मान्यताओं को परिवर्तित किया जाता है तो उसके लिए साहस और पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। स्टॉप। एक बार युवाओं के साहस भरे कदम उठ पड़े तो संभावनाएं स्वयं साकार होने लगेगी। स्टॉप। बस कोमा जरूरत शुरुआत करने भर की है कोमा फिर तो असंख्य अनुगामी चल पड़ेंगे और सार्थक सामाजिक परिवर्तन आने लगेंगे। स्टॉप। पेरा। हरियाणा की एक युवती ने ऐसी ही साहसी शुरुआत की। स्टॉप। दहेज लेने और खर्चीली शादी की परंपरा को उसने आगे बढ़कर तोड़ा। स्टॉप। हरियाणा के गांव चंदेनी ने ग्रामीणों की सहमति से एक पढ़ी लिखी शिक्षित बहू ममता सगवान निर्विरोध सरपंच बनी। स्टॉप। सरपंच बनते ही उसने अनेकों सामाजिक कुरूतियों को दूर करने का निश्चय किया। स्टॉप। उसने स्वयं अपनी शादी दहेज के विरुद्ध की थी और अपने इसी प्रयास को जारी रखते हुए वह सरपंच बनी कोमा ताकि दहेज की इस कुरूति को हटा सके। स्टॉप। उसके इस शुभ प्रयासों की परिणति उसके गांव के ग्रेवाल दंपति की शादी में हुई। स्टॉप। इसमें खास बात यह रही कि दुल्हे मुकेश ने दहेज में लाए गए लाखों रुपए के सामान व कार को भी लौटा दिया और तुलसी का पौधा व भगवत गीता की पुस्तक को भेंट कर शादी की रस्म पूर्ण की। स्टॉप। पेरा। सरपंच ममता का समर्थन मिलने एवं उनकी प्रेरणा से मुकेश को खर्चीली शादी व दहेज की कुप्रथा को दूर करने का यह अवसर मिला तो उसने तय किया कि उसका विवाह सादगी पूर्ण ढंग से संपन्न किया जाए। स्टॉप। उसने ऐसी शादी की कोमा जिसमें कोई खर्चीलापन नहीं था कोमा परंतु तब भी गांव वालों की उपस्थिति
पर्याप्त संख्या में थी। स्टॉप। सरपंच ममता ने सभी गांव वालों को बुलाकर उसको वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित किया था। स्टॉप। इस उपलक्ष्य पर उन्हें महंगे उपहार देने के स्थान पर इलायची दाना कोमा तुलसी एवं पवित्र गंगा जल दिया गया। स्टॉप। हजारों लाखों रुपए की बर्बादी को रोककर सरपंच ममता एवं युवा मुकेश ने जो प्रेरणाप्रद कार्य किया कोमा वह अपने आप में अद्भुत कहा जा सकता है। स्टॉप। पेरा। ऐसे ही पांडिचेरी की 21 साल की एक युवती के साहस ने उसके विवाह में उपस्थित सभी जनों को तब हैरान कर दिया कोमा जब उसने विवाह मंडप छोड़ते हुए यह साफ बता दिया कि वह किसी भी कीमत पर दहेज के लोभी से विवाह नहीं करेगी। स्टॉप। उसके इस कदम से दहेज मांगने वाला दूल्हा और बराती हतप्रभ रह गए। स्टॉप। जब मंडप में शादी की रस्में पूरी हो रही थी तो दूल्हे के पिता ने दहेज मांगना शुरू कर दिया। स्टॉप। मायके वालों ने दहेज को उसी समय पूरा कर पाने में असमर्थता जाहिर की और उन्होंने शादी के बाद इसे पूरा कर देने के लिए अनुनय विनय की। स्टॉप। किसी तरह से यह बात होने वाली दुल्हन के कानों तक पहुंच गई। स्टॉप। पेरा। युवती के इरादे दृढ़ थे। स्टॉप। उसको जैसे ही वर पक्ष के इन अपवित्र विचारों का ज्ञान हुआ तो उसने स्पष्ट कर दिया कि वह ऐसे संबंध स्वीकार नहीं कर सकती। स्टॉप। पैसे के आधार पर बनाया गया रिश्ता मात्र दुख व पीड़ा का माध्यम बनता है। स्टॉप। पांडिचेरी की इस साहसी लड़की के इस कदम को देखकर वर पक्ष के लोगों को तो वापस लौट गए कोमा, लेकिन वहीं पर उपस्थित एक युवक को उसकी इस सोच से बड़ी प्रसन्नता हुई। स्टॉप। उसने अपने भावों को वधु पक्ष के सम्मुख रखते हुए कहा कि यदि वह युवती तैयार है तो वह बिना दहेज के इसी समय शादी करने के लिए तैयार है। स्टॉप। युवक और युवती कोमा दोनों ने अपने घर वालों की सहमति से बिना दहेज के शादी करके यह बता दिया कि परंपराओं की विकृति से अमूल्य जीवन को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। स्टॉप। शिष्टशालीन एवं दृढ़ संकल्पवान इस लड़की के घर वालों को अपनी बेटी पर गर्व है और साहस के धनी इस लड़के के घर वालों को भी अपने बेटे पर नाज है कि ऐसे विपरीत समय में उसने उस युवती का हाथ थामा। स्टॉप। पेरा। उत्तर प्रदेश की एक युवती प्रगति कोमा MA समाज शास्त्र है। स्टॉप। उसके पास MAD की डिग्री भी है और वह एक इंटर कॉलेज में शिक्षिका भी है। स्टॉप। वह भी दहेज की प्रक्रिया एवं परंपरा को किसी भी तरह से उचित नहीं मानती। स्टॉप। प्रगति ने संकल्प लिया था कि चाहे उसे पूरी उम्र अविवाहित रहना पड़े कोमा, पर वह किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करेगी कोमा जो दहेज की मांग करता हो। स्टॉप। दहेज के बिना आज के समय में शादी हो पाना अति कठिन है कोमा, परंतु प्रगति के साहस और सूझबूझ का क्या कहना कोमा, जिसने ठान लिया था कि शादी होगी तो आपसी साझेदारी से कोमा, दहेज की कीमत पर तो कभी नहीं। स्टॉप। पेरा।
प्रगति की शादी हुई और ऐसी शादी हुई कि किसी को विश्वास ही नहीं हो सका। स्टॉप। उसके इस संकल्प को पूरा किया एक IAS लड़के ने, कोमा, जिसे भी ऐसी लड़की की तलाश थी, कोमा, क्योंकि वह स्वयं भी दहेज की परंपरा के विरुद्ध था। स्टॉप। प्रगति को उस युवा IAS ने शादी करके यह दिखा दिया कि साहस हो तो परंपराओं से आगे बढ़ा जा सकता है, और दोनों ने बिना दहेज शादी करके यह सिद्ध कर दिखाया। स्टॉप। दहेज की परंपरा के विरुद्ध बिना दहेज के शादी करने के लिए केरल के मालापुरम जिले के नीलांबर गांव के कुछ नव युवकों ने वेबसाइट खोली है। स्टॉप। इनकी दोनों वेबसाइटों को काफी सराहा जा रहा है। स्टॉप। ऐसे युवक और युवतियां, कोमा, जो बिना दहेज विवाह के पक्षधर हैं, कोमा, के लिए ये वेबसाइटें एक प्रेरणा के समान है। स्टॉप। अब तक इन वेबसाइटों पर अनेकों युवकों और युवतियों का नामांकन हो चुका है जो बिना दहेज शादी के लिए इच्छुक हैं। स्टॉप। केरल में ही नहीं, कोमा, अपने देश के अन्य प्रांतों के युवक युवतियों को भी ये वेबसाइटें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। स्टॉप। ये सभी इस प्रयास को आंदोलन का रूप देकर इसे देशव्यापी बनाने के लिए प्रयासरत हैं। स्टॉप। इस कार्य के लिए ऐसे साहसी, कोमा, विवेकवान एवं दृढ़ प्रतिज्ञा युवकों की आवश्यकता है, कोमा, जो दहेज की इन विकृति परंपराओं के विरुद्ध आवाज बुलंद कर सके। स्टॉप। पेरा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि खर्चीली शादियां मनुष्य को दरिद्र एवं बेईमान बनाती है। स्टॉप। इस तथ्य को जब तक हमारा युवा वर्ग गहराई से अनुभव नहीं करेगा और इसे दूर करने के लिए संकल्प नहीं लेगा, कोमा, तब तक यह समाज में एक कुप्रथा के रूप में चलता रहेगा और शादी में कमाई की एक मोटी रकम इसी तरह के प्रदर्शन में फूकी जाती रहेगी। स्टॉप। सामाजिक परिवर्तन के लिए दहेज की इस परंपरा को जड़ से उखाड़ना होगा और इसके लिए ऐसे भावनाशील एवं साहसी युवकों को आमंत्रण है कि वे इस महान कार्य में स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें, कोमा, ताकि परंपराओं की इन जड़ता में फंसे अन्य लोगों को झकझोरा जा सके। स्टॉप। अपना विचार क्रांति अभियान पिछली अर्ध शताब्दी से भी अधिक समय से पहले से ही युवाओं को इस कार्य के लिए आवाज दे रहा है। स्टॉप। आज भी इसके आह्वान के स्वर भारत की धरती पर सुने जा सकते हैं। स्टॉप। युवा इसे सुने और आगे बढ़े। पूर्ण विराम। धन्यवाद।